हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फोटो और सिग्नेचर वाला पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं NSDL के द्वारा। तो आपको इसके लिए हमारे इस वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं avitechpan.com। और यहाँ पे आने के बाद पहले आपको यहाँ पे इसका आईडी लेना होगा। आईडी लेने के लिए आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, वाइट लेबल और डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ये सब आईडी आपको मिल जाएगा। अगर आप खुद का पैन कार्ड का पोर्टल बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वाइट लेबल बनवाना है या फिर एडमिन जो भी बनवाना हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं, अगर आपको पैन कार्ड बनाने के लिए आईडी चाहिए तो इसके लिए आप यहाँ पे रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी आईडी ले सकते हैं। सबसे आप पैन कार्ड बना सकते हैं। अगर आपको रिटेलर्स भी और डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाना है तो उसके लिए सुपर आईडी ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक रिटेलर आईडी का बता देता हूँ। एक रिटेलर आईडी लेंगे तो 199 लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटर लेंगे तो 449 लगेगा, और सुपर में आपका 799 में आपका आईडी बन जाएगा। तो इस आईडी को लेने के लिए यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर दे देना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना पूरा डिटेल डालकर यहाँ पे आईडी को क्रिएट कर लेना है। जो भी आपका डिटेल होगा वो सब डालकर आप यहाँ पे जो भी आईडी चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर और उनका चार्जेस जो भी होगा आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आप यहाँ पे एन रजिस्टर आईडी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप प्रोसीड पे क्लिक करके, यहाँ पेमेंट गेटवे आपका मिंत्रा गेटवे ही रहेगा, और प्रोसीड पे क्लिक करके यहाँ पे आपका एक क्यूआर कोड आ जाएगा। इस क्यूआर कोड पे आपको पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करने के बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर रहेगा वही आप आईडी पासवर्ड में डालकर लॉगिन कर पाएंगे। तो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तभी आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर पेमेंट आपका सक्सेसफुल नहीं होता है, फेल हो जाता है, या फिर आप चाहते हैं कि मैं बाद में पेमेंट करूंगा, तो आप जब भी पेमेंट करने के लिए आएंगे तो आप एक बार यहाँ पे रजिस्टर कर चुके हैं तो आपको अब कुछ नहीं करना है, सीधा पेमेंट करना है। अब पैन कार्ड बनाने से पहले यहाँ पे आप 3 लाइन पे आएंगे, सेटिंग में आना है और यहाँ पे प्राइवेसी वाले पे आ जाना है, और यहाँ पे आपको साइट सेटिंग में आना है, क्योंकि जब भी आप पैन कार्ड बनाएंगे उससे पहले आपको ये सेटिंग कर लेना है। और यहाँ पे पॉपअप एंड रीडायरेक्ट वाला ऑप्शन पे आ जाना है, और यहाँ पे आप देखेंगे आपका यहाँ पे टिक होगा, लेकिन आपको इसको यहाँ पे नहीं रखना है, इसको आपको ऊपर वाले पे टिक करना है। तो इसको आपको ऊपर वाले पे टिक करना है, तो यहाँ पे आप टिक करेंगे और उसके बाद ये आपका पैन कार्ड बनाने के लिए ये सेटिंग जरूरी है। तो इस सेटिंग को जरूर कर ले तभी आपका पैन कार्ड बनेगा। तो यहाँ पे आप इस वाले पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। और उसके बाद हम चलिए अब अपने आईडी पे आते हैं, तो आप दोबारा से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आने के बाद जो भी आपका आईडी पासवर्ड होगा उसको डालकर आप लॉगिन करेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप अपना आईडी लॉगिन करके जो भी है, फिर यहाँ पे आपको ई साइन KYC का एक ऑप्शन मिलेगा, ई साइन पैन का। तो वहाँ से आपका फोटो और सिग्नेचर वाला पैन कार्ड बनेगा, लेकिन उससे पहले आपको फोटो सिग्नेचर को क्रॉप करके रख लेना है। यहाँ पे क्रॉपिंग टूल भी मिलता है, तो वहां से आपको फोटो सिग्नेचर को क्रॉप करके रख लेना है। साथ में जो आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा उसको भी आपको स्कैन करके रख लेना है, उस पर भी आपका सिग्नेचर करवा के रख लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ई साइन अप्लाई का जो ये ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आप फोटो और सिग्नेचर वाला पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, और सेम प्रोसेस यहाँ पे आपका वही है। तो चलिए कैसे यहाँ से फोटो और सिग्नेचर वाला पैन कार्ड बनेगा इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो भी कस्टमर का आधार डिटेल रहेगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है, और उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी, तो ये सब डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना होता है। और ये सब डिटेल फिल करने के बाद आपका पैन कार्ड अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कस्टमर का नाम है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जब भी आप डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप लिख नहीं सकते हैं, इसके लिए आपको साइड में एक कैलेंडर का ऑप्शन दिख रहा है, इस कैलेंडर पे आपको क्लिक करना होता है और वहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना होता है।
तो कैलेंडर पर क्लिक करने के बाद आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद जो भी मेल फीमेल होगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी जरूर डालें या फिर आप अपना डालें या फिर कस्टमर का, लेकिन ईमेल आईडी जरूर डालें। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सबमिट वाले पे क्लिक कर लेना है और आपके वॉलेट में पैसा होना चाहिए 103 रुपये, यहाँ से कट हो जाएगा और यहाँ पे ओके पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ये आपका NSDL की वेबसाइट यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा, NSDL का फॉर्म। तो यहाँ पे ये हमारा ओपन हो चुका है, हालांकि मेरा थोड़ा नेट स्लो है, अगर आपका फास्ट होगा तो ये जल्दी से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पेज हमारे पास ओपन हो चुका है। अब हमको आधार नंबर फिल करना है और यहाँ पे आपको टाइटल दिख रहा है, टाइटल में टाइटल सेलेक्ट कर लेना है और कस्टमर का पूरा डिटेल जैसे लास्ट नेम फर्स्ट नेम उसका बस यही डालना है, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी आप डाल सकते हैं। तो ये डिटेल डालने के बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे और इसको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे आप सबमिट, ये सब मैं कुछ पर्सनल डिटेल है इसलिए नहीं दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या डालना है। तो ऐसे आपको उसका डिटेल डालकर और दूसरे में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे की तरफ आना है। इसको अगर आप डाटा को सेव करना चाहते हैं तो ऊपर आपको सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है और ये आपका नेक्स्ट पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो जैसे आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे उसका पेरेंट्स का डिटेल मांग रहा है, तो यहाँ पे आपको नो करना है और उसके बाद जो भी उसका फादर का डिटेल होगा, फादर का लास्ट नाम फर्स्ट नाम और ये सब डालने के बाद आपको फादर नेम पे क्लिक करना है और यहाँ पे नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम में आप नो इनकम करेंगे, बाकी उसका जो मोबाइल नंबर है ईमेल आईडी है वो आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप फोटो सिग्नेचर वाला पैन कार्ड बनाएंगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस जो कि है मैनुअली फिल करना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन में आपको रेसिडेंट वाले पे सिलेक्ट करना होता है और यहाँ पे आपको मैनुअली उसका जो भी एड्रेस होगा वो आपको मैनुअली यहाँ पे डालना होगा। तो जो भी उसका ब्लॉक है और विलेज है, पोस्ट ऑफिस है, उसका सब डिवीजन है, डिस्ट्रिक्ट या टाउन, ये सब आपको अपने से फिल कर लेना है जो उसके आधार कार्ड पे रहेगा, पिन कोड। तो ये सब आपको डालकर इसी एड्रेस पे उसका फिजिकली पैन कार्ड जाएगा। अगर आप ऑफिस एड्रेस भी देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नो वाले पे क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एओ कोड मांग रहा है तो एओ कोड के लिए आप यहाँ पे इंडियन वाले पे क्लिक करेंगे और जो भी उसका स्टेट होगा आप स्टेट वाले पे यहाँ पे जो स्टेट है वो उसका स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे, जो उसका सिटी है आपको उसका सिटी सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उसका एओ कोड नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे इसको तो यहाँ पे देख सकते हैं उसका एओ कोड आ चुका है। इस पर दो बार क्लिक करेंगे तो ऊपर आपका एओ कोड ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने के लिए मिल जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में सब में आधार कार्ड लगा सकते हैं या फिर वोटर आईडी कार्ड है तो प्रूफ ऑफ DOB में आप वोटर आईडी लगा सकते हैं आप। और यहाँ पे फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो देख सकते हैं मैंने फोटो अपलोड कर दिया है। अभी यहाँ पे सिग्नेचर बोल रहा है तो आप यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे। तो इसके लिए आपको पहले से क्रॉप करके रखना होता है, यहाँ पे ये आपका 50 KB में इसका साइज होना चाहिए फोटो और सिग्नेचर का, तभी यहाँ पे अपलोड होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने मैं यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड कर रहा हूँ और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड मैंने बताया था, आधार कार्ड पे सिग्नेचर करवा के और उसका PDF बनवा के यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे अपलोड करने के बाद जहाँ से भी आप इस पैन कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का एड्रेस डालकर आप इसको सबमिट करेंगे तो ये आपका सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप फिंगरप्रिंट वाला बनाते हैं जिसमें फ़ोटो सिग्नेचर नहीं आता है तो वहाँ पे इतना डिटेल भी नहीं मांगता है और ना ही आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का कोई ऑप्शन मिलता है,
लेकिन अगर आप फोटो सिग्नेचर वाला बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है फोटो सिग्नेचर का। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे पूरा आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा जो भी आपने अभी तक फिल किया है, और उसको देखने के बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपका ई साइन मांगेगा। तो ई साइन आप यहाँ पे मैंने ओटीपी वाला सिलेक्ट कर दिया है, और जो भी कस्टमर है उसका आधार नंबर डालेंगे, और आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अगर आप बायोमेट्रिक से करना चाहते हैं तो बायोमेट्रिक से भी कर सकते हैं, अगर आधार ओटीपी से करना चाहते हैं तो आप आधार ओटीपी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेंड ओटीपी पे क्लिक किया, यहाँ पे ओटीपी मैंने गलत फिल कर दिया था, चलिए अब सही फिल कर दिया हूँ। यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे, हमारा ओटीपी वेरीफाइड हो चुका है। अब ई साइन प्रोसेसिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें अगर आप फोटो और सिग्नेचर वाला बनाएंगे तो इसमें आपका एक ही बार ई साइन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रिसिप्ट निकल गया है, कस्टमर का नाम भी आप देख सकते हैं।